दिनचर्या में ड्राइवरों की अहम भूमिका है, परंतु चाहिए वैसा सम्मान उन्हें मिलता नहीं, जिससे ड्राइवर और मालक दोनों नाराज होते हैं। वैसे ही इस महंगाई की घड़ी में ड्राइवरों की आवक की किसी को चिंता नहीं है। इसे सरल बनाकर ड्राइवरों के हित में काम करने की पहल ज्वाइंट एक्शन कमेटी के राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष प्रहलाद अग्रवाल ने कही है। ड्राइवरों को सारथी बनाकर, अपना बनाकर उनके हित में काम करना है। ड्राइवरों को मान सम्मान पूर्वक कार्य देना होगा, जिससे आने वाले समय में ड्राइवर गण भी सम्मान पूर्वक जी सके। ऐसी अपील ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अध्यक्ष प्रहलाद अग्रवाल ने ट्रांसपोर्टर भाइयों से की है। बीसीएन न्यूज के लिए वाड़ी से सौरभ पाटिल की रिपोर्ट। मैं प्रहलाद अग्रवाल, 78 ईयर सीनियर सिटीजन। मेरे को 58 साल हो गए लॉजिस्टिक का काम करते हुए, और मैंने ड्राइवर को उस समय से पहचाना है, क्योंकि गाड़ी अगर हमको चलवानी है या गाड़ी हम खुद नहीं चला सकते, ड्राइवर तो हमको ड्राइवर को अपना छोटा भाई या फैमिली मेंबर समझ के, और वो हमारी गाड़ी अच्छे से बचाए और करे, तो उसको सारथी का दर्जा दिलवाना पड़ेगा, जिससे कि वो, और जब तक ये चीजें चलन में नहीं आएंगी, ये चीज को हर आदमी जो ट्रक रखता है या ट्रक रखने की कोशिश करता है या एक से चार गाड़ी बढ़ाना चाहता है, जिसको ड्राइवर की जरूरत है, तो ड्राइवर की वैल्यू समझना और उसके लिए उसकी हेल्प करना, फैमिली मेंबर की जैसे हम हेल्प करते हैं, उसी तरह उसकी अगर हम हेल्प करेंगे तो ही ये बिजनेस फल फूलेगा, और नहीं तो डे बाय डे जैसे क्राइसिस बढ़ती जा रही है, उस तरह से ये बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो मेरी सरकार से भी और सबसे ये विनती है कि ड्राइवरों को कैसे इंसान समझा जाए और उनको एक अच्छे मानव का दर्जा, इंसान का दर्जा दिया जाए, इस पे अगर हम लोग काम कर सकते हैं तो ही हमको इस लाइन के लोगों को जो आज दशा होती जा रही है, सरकारी ऑफिसरों से उनके झगड़े होते हैं जो कि एंट्री के चक्कर में होंगे, उनको रोकने के लिए एक दूसरे को रिलेशनशिप बढ़ाने का करना पड़ेगा, तो भी ये धंधा पनप पाएगा और एक इज्जत के हिसाब से धंधा, क्योंकि अगर कोई दुकान लेके बैठा है तो भी उसको जाके दुकानदार को भी बोला जाता है, ये तो करीब हमारे हिसाब से 50 लाख की चीज लेके रोड पे चलता है, 20 लाख की गाड़ी, 18 लाख की गाड़ी, 30, 32, 35 लाख का माल, तो उनको सम्मान देना चाहिए और उनको कैसे करना चाहिए, इसके लिए अच्छे ट्रेनिंग स्कूल, अच्छे सरकार के सुझाव, ये सब आने चाहिए। जय हिंद, जय भारत।